आज स्कूटी से सासों जी ट्रेवल कर रहे हैं, पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं। सुबह सुबह पेट्रोल भराने जा रहे हैं क्योंकि स्कूल भी इनको जाना है, तो आज स्कूटी से जाएंगे स्कूल। तो डेली वैसे बाइक से जाते थे लेकिन आज स्कूटी से जाने का मन है, तो स्कूटी में ऑयल कम था तो आज पेट्रोल भराएंगे फिर उसके बाद जाएंगे सासों के। ड्राइवर है और व्हीलर भी बढ़िया चलाते हैं, टू व्हीलर भी बढ़िया चलाते हैं, तो इसलिए तेल भराने आ गए हैं। इंडियन ऑयल को ही भरवाएंगे लग रहा है कि पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं और यहाँ भरवाएंगे पेट्रोल। अब हमको उतरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पेट्रोल भराने के लिए थोड़ा सा सासु जी अपना सब कुछ ओपन कर रहे हैं। टंकी 120 का भरवा लो, 120 का भरवाएंगे सासु जी शून्य देखते हुए। नहीं रुका रुका 120 नहीं रुका रुका, बहुत सारा पैसा अपने डिग्गी में भी भर के चलते हैं, कभी भी आप लोग चोरी कर सकते हैं। नहीं नहीं 20 रुपये और बढ़ाए, 140 का 20 रुपये अपने तरफ से लेंगे, बाकी 120 मैं दे रहा हूँ। मेरी आवाज़ तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे, मुझे अपना पर्चे देने की ज़रूरत है नहीं। भैया पेट्रोल भर रहे हैं, 0 मीटर दिख गया, 104 रुपये लीटर है इस समय डीजल, सॉरी पेट्रोल। डीजल कितना है अभी भी कम ही लग रहा है, लेकिन चलिए काम चलाएंगे उससे, काम चलाएंगे देख लो है 120। अब सेल्फ इनका ख़राब हो गया है तो ये किक से स्टार्ट करते हैं इस समय। अब हम भी सवार हो जा रहे हैं इस बाइक पे, अब स्कूटी का ये बाइक का ये बात बराबर ये, क्योंकि टू व्हीलर है तो टू व्हीलर ही रहेगी ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा काटा उठा, थोड़ा सा पेट्रोल बस भरा है इसमें लग रहा है कि, क्योंकि इतना पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि पेट्रोल भरा लें या सोना खरीद लें, दोनों में से एकदम थोड़ा भी नहीं था एकदम, एक बार और आना पड़ेगा, उतना जब डलवाएंगे तब कॉन्फिडेंट बढ़ेगा गाड़ी चलाने के लिए, एकदम की हो गया है। अब सोचिए इतना चला है और सर्विस भी कराना है गाड़ी का, अब कह रही है कि सर्विस कराओ भाई। ये है डिग्री कॉलेज राम सिंह महाविद्यालय, जिसमें हमारे साइड के लोग पढ़ते हैं लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ये लाला जी हैं, ये देखिए चार लोगों को बैठा है, उनका चालान होना चाहिए। अरे भाई वो लेना था ना, केला राती का देले नाना। रुक भाई सासो जी जलेबी खाने के लिए मार्केट में बैठे हुए हैं और गांव के पूर्व प्रत्याशी भी हैं ये VDC के, और यहाँ दुकान पे बैठे हुए हैं। जलेबी बस अभी बन रहा है, समोसे निकल रहे हैं, इसके पहले तो जलेबी की आवश्यकता थी लेकिन पहले समोसे आएंगे उसके बाद जलेबी आएगी। हम तो लग रहा है कि एक शरबा दबा रहे हैं क्योंकि अब सासु जी सब कुछ यहाँ का देखभाल करते रहते हैं कि क्या लेना है क्या ले जाना है, और लगे हुए हैं बनाने में जलेबी उलेबी। समोसा
यहाँ बहुत सारे लोग बहुत दिनों से बन रहा है। ये पहले दुकान हमारे घर के पास थी, इधर कहाँ पास में, उधर मधेपुर से भंडार के दाएं साइड थी ये दुकान पहले। नहीं वहाँ नहीं थी, आज शुरू से घाटी और समोसा पैक करा लो, दो दो पहले दो दो चार, हाँ दो घाटी दो समोसा, हाँ दो घाटी दो समोसा। सासो जी ले रहे हैं दो घाटी दो समोसा, दो हम खाएंगे दो वो खाएंगे। बाकी कोई लहसुन प्याज खाने वाला घर पे है नहीं, तो इसलिए बाकी लोगों के लिए जलेबी जाएगी। तो बाकी अब आगे दिखाएंगे सासो जी आप लोगों को कैसे खाना है। हमारे पूर्व प्रत्याशी जी देखिए कितना मन से खा रहे हैं, काफी रुचि से खा रहे हैं। और इधर जी मानस जी बैठे हुए हैं जो कि जलेबी का इंतजार कर रहे हैं, कितनी बेसब्री से जलेबी का इंतजार कर रहे हैं। कितना खा जाएंगे आप? जितना मिलेगा उतना खाएंगे, आधे किलो में पेट भर जाएगा, 500 ग्राम तो खा ही सकता है। और ये समोसे इनके लिए लिए गए हैं, देखिए आप देख सकते हैं जैसा कि नहीं, इसमें मैं घाटी खाऊंगा, समोसा आप खाइएगा। चलिए आप जो भी हो रहा है अभी दिखा रहे हैं, अभी तो समोसे निकल रहे हैं कुछ, इसके बाद जलेबी डाली जाएगी। ये हमारे आगे देखिए होल्डर शोल्डर गोल्डर जी हैं, ये देखिए हाड़े से परेशान माने जी। देखिए इन सबको देखिए उड़ते हुए आप देख रहे हैं, अपना लाइन लगाए हुए समोसे की तैयारी। उधर से भाई देख रहे हैं बहुत ध्यान से समोसा बनाते हैं एकदम अंदर अंदर, वाह हम सभी को दिखा रहे हैं एकदम जस्ट। ये सक्सेस कोचिंग सेंटर के सामने है, हम लोगों ने जलेबी ले लिया है, ये देखिए माने जी आ रहे हैं और जलेबी देखिए यहाँ पे है। अब हम लोग घर की तरफ चलते, हम लोग जा रहे हैं घर, अब जा रहे हैं हम लोग घर। अभी पतरा है नाना जो है कुछ भी होता है इनके आते हैं, और कुछ भी दिक्कत होती है तो इनके आम आते हैं। देखिए घर पहुंचने वाले हैं बस, अब हम लोग यहाँ से टर्न होते हैं। देखिए दो गाड़ी खड़ी है घर पे, एक बैटरी और एक स्पोर्ट, और एक ये भी पहुँच रही है। ये आ गया हम लोग का घर बैंक के सामने, ये हम लोग का घर।